आज आप लोगों के बना रहे हैं एक खास रेसिपी जो कि मैंने दुबई में ट्राई की थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। इसका नाम है बैंग बैंग श्रिम्प्स हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे सबसे पहले किंग साइज़ के जो प्रॉन्स होते हैं, इसे मैंने डीवेन किया हुआ है और इसका स्किन वगैरह उतार लिया हुआ है, कम्प्लीटली वॉश्ड। इसमें जो मसाले जाएंगे वो आपको चाहिए इसके लिए गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें, सॉल्ट यानी कि नमक। इसके अंदर जो हमने इसको कोटिंग करनी वो आपको चाहिए इसके लिए कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च भी उसे कहा जाता है। चीज़ एक होती है लेकिन इसके सिर्फ नाम दो होते हैं, लेकिन ये कॉर्न फ्लावर है। बीच में जाएगा एग यानी कि अंडा, एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दो भी, डिपेंड्स आपको कितना अंडे की कोटिंग चाहिए। इसकी जो सॉस बनेगी खास, उसके लिए आपको चाहिए मेयोनीज, स्वीट चिली थाई सॉस आपको चाहिए, पीनट बटर आपको चाहिए इसके लिए, और सराशा की हॉट सॉस। इसको आप सर्व करते हैं विद लेटस और गार्निश करते हैं विद स्प्रिंग अनियंस का जो सिर ऊपर हरे पत्ते होते हैं उसे आपने बारीक काट लेना है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने जो है प्रॉन के ऊपर लगाना है वो है सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और गार्लिक पाउडर। ये लगा लें, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाला लगा लेने के बाद अंडा जो आपको दिखाया था उसको आप बीट करते हैं और आप ई श्रिम्प को इसमें यूं अच्छी तरह डिप कर लेते हैं ताकि हर तरफ अंडा लग जाए। उसके बाद आप इसको कॉर्नफ्लावर में डालते हैं और यूं कवर कर लेने के बाद आप इस तमाम को इकट्ठा कर एक साइड पर रख लें और तेल गर्म होने दें। अच्छी तरह ये कोट हो गए विद कॉर्नफ्लावर और अंडे के साथ में। उसके बाद आपको बिल्कुल थोड़ा सा तेल चाहिए होगा इन्हें शैलो फ्राई करने के लिए। ईच पीस आप उठाएंगे, ओवर क्राउड मत कीजिएगा, मेक श्योर करें कि आपका तेल अच्छी तरह गर्म हो। और इसमें आप स्ट्रेट अवे चमचा नहीं चलाएंगे, जैसा आपको हमेशा बताया, जैसे ही गोल्डन कलर आएगा तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड भी गोल्डन हो जाए। और इसे आप तो यहाँ पर, मैं इन्हें यहाँ पर बना रही हूँ ऑन मीडियम टू हाई फ्लेम पर। फ्राई हो रहे हैं, हम इसका सॉस भी तैयार कर लेते हैं। बीच में आपको एक बोल चाहिए बड़ा, जिसमें आप डालेंगे सबसे पहले जो कि आपकी मेयोनीज है, पीनट बटर जा रहा है बीच में, स्मूथ वाला इस्तेमाल कीजिएगा, ज़रा अच्छा लगता है वरना फिर वो क्रंच आएगा। और ये चली गई इसमें हॉट सॉस सराशा की, और ये थाई चिली सॉस स्वीट जो होती है ये हो गई। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक साइड पर रख लें। जो श्रिम्प्स होते हैं ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, चाहे वो किंग प्रॉन्स हो चाहे बेबी प्रॉन्स हो। तो ये देखने गोल्डन कलर इस पर आया, मैंने इसकी साइज चेंज की है, गोल्डन हो चुके हैं ये। अब आप प्लेट लेंगे, उस पर रखेंगे एक पेपर टिश्यू और इन्हें निकाल करके एक साइड पर इकट्ठे कर लें। सॉस हमने पहले मिक्स करके रखी हुई थी, उसके बाद जो है आपके प्रॉन्स भी परफेक्टली हो चुके हैं। अब आप इन्हें उठा करके तमाम को सॉस में डालेंगे और अच्छी तरह आपने इसे कोट कर लेना है। आपने इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम श्रिम्प के ऊपर सॉस होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास इस तरह के फैंसी ग्लास नहीं है तो आप बेशक जो है किसी भी प्लेट पर जो है फैंसी प्लेट ले लीजिएगा, उस पर लेटस यू बारीक काट करके डालेंगे, ऊपर इसके आप श्रिम्प डाल सकते हैं। लेकिन आई एम यूजिंग वन ऑफ दीज शैम्पियन ग्लासेस, ये देखने बड़ा खूबसूरत लगता है। लेटस डालिएगा बिल्कुल फाइनली स्लाइस कर और उसके बाद जो है आपने प्रॉन्स को बीच में अरेंज कर लेना। सर्व करने के बाद इस पर आप थोड़ा सा डालते हैं यूं स्प्रिंग अनियन और इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं। ट्राई कीजिएगा दावतों पर, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है एज अ साइड डिश और अ स्टार्टर। फूड रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज cookwithfaiza.net। जरूर बनाइए, पैकअप कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।